सरो का नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। जगदलपुर के लालबाग स्थित आमा गुड़ा चौक पर नगर निगम ने डीएमएफटी फंड के तहत 1 करोड़ की लागत से दुकानें बनवाई गई थी, जिसमें हर एक दुकान का मूल 5 लाख रुपए आ रहा है। बता दें कि सभी दुकान लोहे की टीन से बनी हुई है। डीएमएफटी फंड केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली स्कीम है, जिसके तहत गुमटी दुकानदारों को निगम के द्वारा दुकानें दी जानी थी। अब उन गरीब फुटकर व्यापारी जो कि उन रोज कर खाते हैं, उनसे दुकानों के लिए शुल्क 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और किराया अलग से निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर आरोप है कि जो जमीन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा नगर निगम को दी गई, जमीन पर अधिकारियों का भ्रष्टाचार चल रहा है। आज कोई भी छोटे व्यापारी इन दुकानों को लेने को सक्षम नहीं है और नगर निगम अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहा है, जो कि सरकार के पैसे की बर्बादी है। ये जो पीछे आप दुकान देख रहे हैं, ये डीएमएफटी फंड केंद्र सरकार का फंड है, डीएमएफटी फंड है, उससे बनाया गया है। पूर्व में यहाँ पे छोटे छोटे व्यवसायी यहाँ पे व्यवसाय करते थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उतना ही उनका धंधा था। नगर निगम ने ये बोलकर उनको हटा दिया कि हम व्यवस्थापन के तहत यहाँ पे आपको दुकान बनाकर देंगे, और वो लोग यहाँ से हट गए। फॉरेस्ट विभाग ने नगर निगम को जमीन फॉरेस्ट विभाग की नगर निगम को दी। नगर निगम ने यहाँ पे पता नहीं कौन से लोहे की और चद्दर की दुकानें हैं, लेकिन इसकी कास्टिंग आ रही है 4.5 लाख रुपए। ये जो 20 दुकानें बनी हैं, वो 92 लाख रुपए में बनी हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जो दिखने में तो 70-75 हजार 1 लाख रुपए तक की दुकान दिखती है, परंतु नगर निगम में जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है, उससे ये 4.5 लाख रुपए की दुकान बनी है। और ऊपर से उन विस्थापित लोगों को, उन व्यवसायी लोग जो यहाँ से चले, जिनको हटा दिया गया है, उनको बुला के नगर निगम अपना फरमान जारी कर दिया कि 2.5 लाख रुपए दो और इसमें कब्जा करो, किराया अलग से देना है। जगदलपुर में भगवान महावीर की 2622वीं जयंती के अवसर पर बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के अध्यक्ष मनोहर लुनिया ने बताया कि जियो और जीने दो, ये संदेश हमें श्री महावीर भगवान श्री से मिला है। इस अवसर पर सबसे पहले समाज के युवाओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई और पूरे शहर का भ्रमण किया गया, जिसके बाद समाज के सभी वर्ग के लोग इकट्ठे होकर चौक चौराहों से गुजरते हुए ओसवाल भवन में आकर समाप्त हुए। और शोभा यात्रा के दौरान शहर के अनेक समाज एवं सभी राजनीतिक दल के लोगों ने चौक चौराहों पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया। जन कल्याण 2622 आज के दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 2622 साल को, और हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म को जो उपलक्ष्य में, जन कल्याण के उपलक्ष्य आज का ये दिन मनाया गया है, जिसमें सुबह प्रभात फेरी, उसके पश्चात बाइक यात्रा, उसके पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संपूर्ण जैन समाज के लोग आए। और आज यहाँ पे स्वामी वत्सलधारी कार्यक्रम कर रहा है, बड़े ठाट बाट से और बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। जगदलपुर में भूजल रिचार्ज और स्रोत स्थल चयन के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला पूर्ण हो गई है, जिसके दूसरे दिन में सफल स्रोतों के चयन का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही भूजल रिचार्जिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया। हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप के आधार पर भूजल स्रोतों के चयन हेतु दिए जा रहे इस प्रशिक्षण के दौरान नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से डॉक्टर आईसी दास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाटर सेक्टर डॉक्टर निनाद बोधनाकर, विभागाध्यक्ष जियोलॉजी उपस्थित रहे। मासमुंद में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ की तस्करी या दूसरी आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसे लेकर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। तो वहीं चेकिंग के दौरान आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 2500 किलोग्राम, कीमत 5 लाख रुपए और परिवहन में प्रयुक्त आर्टिगा कार कीमत 8 लाख रुपए बरामद की गई। साथ ही मोबाइल,
भी बरामद किया गया जिसकी कीमत 15,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। कोरबा की मेगा प्रोजेक्ट दीपका कोयला खदान में युवक कांग्रेस स्थानीय युवकों रोजगार देने की मांग के साथ अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के चलते कोयला उत्पादन और कॉल ट्रांसपोर्शन पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो वहीं कोयला लदी ट्रकें और कोयला लेने वाली खाली ट्रकें अपनी जगह पर खड़ी हुई हैं। तो वहीं युवा कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय बेरोजगार युवकों ने SECL प्रबंधन से आउटसोर्सिंग के कार्य कर रही कंपनियों में युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग भी रखी है। महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर सरायपाली पहुंचे, तो वहीं उनके साथ उप पुलिस अधीक्षक आकाश राव भी पहुंचे थे, जहां सरायपाली थाना परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महासमुंद जिले में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने और बड़ी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाले सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम के साथ ही साइबर सेल महासमुंद प्रभारी नसीमुद्दीन और उनकी टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं पूरी टीम को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित करने के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कुछ बातें भी कही। नगरनार में पुलिस ने उड़ीसा से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो अवैध रूप से गांजा का परिवहन कर रहे थे। आरोपियों के पास से 20 किलो मादक पदार्थ गांजा पाया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपियों को विविध गिरफ्तार कर न्यायालय भी पेश कर दिया गया है। कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना नगरनार को सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं। जिस सूचना पर थाना नगरनार की टीम के द्वारा ग्राम चौकावड़ा के पास घेराबंदी कर संदिग्ध स्कूटी और व्यक्तियों को पकड़ा गया। आरोपी महिला सोनामनी एवं पुरुष प्रभास के कब्जे से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। साथ ही साथ जो स्कूटी अवैध गांजा को परिवहन में प्रयुक्त किया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया है। अवैध गांजा 20 kg एवं स्कूटी की कुल कीमत। महासमुंद के पितौरा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोड़िया में व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मृतक के दोनों बेटों ने ही जमीन बेचकर मिले पैसों के खातिर अपने पिता का गला दबाकर हत्या कर दी और जुर्म भी कबूल कर लिया। वही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सूचना मिली थी थाने पे कि उनकी मौत हो गई है, तो इस पर से हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम पे आया कि उसकी पोस्टमार्टम शॉट पे हम जो प्राप्त किया उसमें हैंगिंग आया। इसी से जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसके दोनों बेटे मंगलू के पुरुषोत्तम और जगदीश ही उसके हत्यारे निकले। उन्होंने गला रस्सी से दबा कर उसकी हत्या की। उससे पहले उन्होंने मारपीट भी की थी। इनका जमीन को लेकर एक कुछ समय पूर्व इसने अपनी जमीन 26
शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सम्माननीय सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में संभाग के विभिन्न जिलों से आए हुए नियमित व्याख्याता तथा नियमित प्रधान पाठक के साथ एक बैठक संपन्न हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 2013 से प्रचार पद पर पदोन्नति नहीं हुई है। हमारे अनेक साथी पदोन्नति की राह देखते देखते सेवानिवृत्त हो गए, अनेक साथियों की मृत्यु हो गई है। इन तमाम स्थितियों को देख करके शासन और विभाग से ये पुरजोर निवेदन और अपील की जा रही है निरंतर विगत 3 महीने से कि आगामी शिक्षण सत्र 16 जून से पहले वे प्रचार पद का पदोन्नति आदेश जारी कर दें। जगदलपुर में विधायक रेखचंद जैन ने ग्रामवासियों के पेयजल की सौगात दी और 3 ग्राम पंचायतों हाट पदमूर, कुलगांव और धनियालूर में टैंकर वितरण किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की ओर से हर ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर वितरण किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों के परिवारों में कोई भी सुख दुख का कार्य होता है तो पेयजल आपूर्ति के लिए दूसरी जगहों से पानी टैंकर लाना पड़ता है, पर अब आपके ही गाँव में पानी टैंकर उपलब्ध हो जाने से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी सरकार आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।